जय माता जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम संतान की उत्पत्ति के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उसमें संतान उत्पत्ति का भी विधान बताए गए हैं कि हम अगर प्रॉपर वे में जो बताए हुए विधान के अनुसार हम चलते हैं तो हम भाग्यशाली पुत्र संतान ला सकते हैं, हम भाग्यशाली स्त्री संतान ला सकते हैं, इसके कुछ नियम बताए गए हैं। लेकिन इसका अच्छे इस्तेमाल के लिए ही उपयोग करना चाहिए हमें श्रद्धा से। और जैसा कि कुछ लोग ज़्यादा जो ये मेंटेलिटी रखते हैं कि खाली लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, तो आज का ज़माना तो लड़का और लड़की बिल्कुल एक बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। लड़की भी माँ बाप को उतना ही संभाल सकती है जितना कि लड़का। तो पहले तो ये हमारी जो कुंठित विचारधारा है इससे बाहर निकलना चाहिए हमें। कुछ लोग बच्चों को मरवा देते हैं लड़की का पता करके, भले आज भी बैन है लेकिन इलीगली चेक होता है और उतने ही बच्चे मारे जाते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए। कई बार बच्चे के जो जिस तरह से डीएनसी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके निकाला जाता है। कई बार तीसरे महीने में भी जिस तरीके से लोग ये करते हैं, ब्रीदिंग आ जाती है बच्चे में, जान आ जाती है, बाद में भी कई बार कई अबॉर्शन होते हैं। बच्चे के पहले पैर काटे जाते हैं, उसको कई टुकड़ों में, उसके फिर हाथ कटेंगे, उसकी गर्दन कटेगी, पेट कटेगा, इतने छोटे छोटे हम उसको इतनी बुरी कदर हम एक बच्चे को मरवाते हैं। और हमें सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा पाप है। तो पहले ये इससे जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, क्योंकि अगर हम संतान उत्पत्त कर रहे हैं तो हमें इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि लड़की है लड़का है, हमें अपने कर्म पे भरोसा रखना चाहिए। लड़की को भी आप अच्छे संस्कार दोगे तो आपके लिए अच्छा ही करने वाली है, इस पाप से हम बच सके। एक मनुष्य की हत्या के बराबर ही बच्चे को मरवाना है। इस घटिया विचारधारा से हमें बाहर निकलना चाहिए। अब हम बात करते हैं, हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया है। जैसे कि स्त्री का जो मासिक धर्म जो जिस तरह खत्म होता है, चौथे दिन खत्म होता है मासिक, तो उसके बाद जिस तरह है चौथा जो दिन होता है, फोर्थ डे, मासिक बंद होने के बाद जैसा फोर्थ डे चालू होता है, मासिक खत्म हो गया फोर्थ डे चल रहा है, तो उसमें अगर बच्चा कंसीव होता है तो चौथी रात्रि में, तो वो बच्चा पैदा होकर अल्पायु और संघर्षशील होगा, वो जीवन में दरिद्रता को प्राप्त करेगा। अगर पांचवी रात्रि में कोई बच्चा अगर कंसीव होता है तो पुत्री रत्न जन्म लेगी। अगर छठी रात्रि को अगर हम कंसीव करा रहे हैं, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं पीरियड से छठा दिन, तो छठा दिन पर बंद होने के बाद हमें देखना है, छठा दिन मध्यम आयु वाला पुत्र प्राप्त होगा, यानी वो बच्चे का आयुष्य बहुत ज्यादा नहीं होगा, मध्यम आयुष्य होगा। तीन आयुष्य कहे ज्योतिष में, अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु। मध्यम आयु यानी आज के जमाने में हम समझ सकते हैं 45, 50, 52। दूसरी चीज, अगर हम सातवीं रात्रि को संतान उत्पन्न करते हैं तो पुत्री के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उसमें भी बांझ पुत्री के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी वो बच्ची को संतान उत्पन्न करने में समस्या आ सकती है। आठवें दिन अगर संतान उत्पन्न होती है, कंसीव करते हैं हम, तो अत्यंत भाग्यवान पुत्र का जन्म होगा, यानी बहुत अच्छा है। अगर हम नाइन्थ डे, अगर हम नौवें दिन यानी पीरियड से मासिक धर्म से शुरू होने के बाद में नौवें दिन, चौथे दिन बंद हो जाता है जैसा हम करेंगे, फिर कंटिन्यू काउंट करते हो नौवें दिन पे आते हैं, तो यहाँ पे अत्यंत भाग्यवान पुत्री का जन्म होगा नौवें दिन में। आठवें दिन में अत्यंत भाग्यवान पुत्र, नौवें दिन में अत्यंत भाग्यवान पुत्री, दसवें दिन में होशियार पुत्र यानी होशियार होगा, चतुर होगा, ग्यारहवें दिन में चरित्रहीन पुत्री। अगर ग्यारहवीं रात्रि अगर आप कंसीव करते हैं संतान, तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि वहाँ पे चरित्रहीन पुत्री का जन्म होगा। बारहवीं रात्रि यानी आपके जो पीरियड से, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ उसी तरह, हम जब बारहवा दिन बारहवीं रात्रि के लिए, तो वहाँ पे श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होगा अगर बारहवीं रात्रि को संतान कंसीव हो रही है तो। तेरहवीं रात्रि, अगर तेरहवीं रात्रि को संतान कंसीव हो रही है तो स्वभाव में अशुभ पुत्री होगी, दोगली पुत्री होगी, मतलब उसके स्वभाव में कुछ नकारात्मकताएं ज्यादा होंगी, इसे भी हमें ऐसे दिनों को अवॉइड कर देना चाहिए। चौदहवा दिन, अगर चौदहवें दिन अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो एक अच्छे पुत्र का जन्म होगा। पंद्रहवें दिन भाग्यवान पुत्री का जन्म होगा, अगर पंद्रहवें दिन की रात्रि में अगर संतान कंसीव होती है अगर, तो भाग्यवान पुत्री का जन्म होगा। और अगर लास्ट सोलहवें दिन अगर संतान कंसीव होती है तो बहुत ही गुणवान गुणी पुत्र का जन्म होगा। और इसके साथ एक और चीज हमें देखनी होगी, ये दोनों चीज को आपको मिला के करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब संतान जब हम उत्पन्न करते हैं तब हमें स्वर भी देख लेना चाहिए हमारे, जैसा कि हमारा जो राइट स्वर होता है और एक लेफ्ट स्वर होता है, तो हमें देख लेना चाहिए कि जब पुरुष का सूर्य स्वर चल रहा हो यानी कि राइट स्वर, हम ऐसे अगर हमारे हाथ के यहाँ पे नाक के नीचे अगर हाथ रखे और जोर से एक बार सांस छोड़ के देखिए, तो हमें पता चलेगा कि एक नाक में से ज्यादा हवा निकल रही है, तो हमको पता चलता है कि वो स्वर चल रहा है। तो जब पुरुष का राइट स्वर चल रहा हो और स्त्री का लेफ्ट स्वर चल रहा हो, तो उस टाइम लड़का पैदा होगा, उस टाइम अगर संतान कंसीव होती है तो लड़का पैदा होगा। तो ये स्वर शास्त्र का नियम और ये नियम
हम मिला के अगर करते हैं, अगर हम दोनों को मिला के अगर हम संतान के लिए प्लानिंग करते हैं तो जरूर ही हमें 70-80% तक ये चीज सही पड़ती है। और जो भी आपके नसीब में लिखा है, जो भी बच्चा आता है, उसे भगवान की कृपा माननी चाहिए। लड़की भी लक्ष्मी का रूप होती है। कई लड़की संतान जन्मने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिनके नसीब बदल गए, क्योंकि बच्ची लक्ष्मी का रूप होती है। हमें पूजा कराने के लिए छोटी सी बच्ची की जरूरत पड़ती है, लेकिन पेट में आती तो हम उसे मरवा देते हैं। अगर हमें हमें जन्म देने वाली माँ है, हम मंदिरों में जाके माँ को चुनरी चढ़ाते हैं। ऐसे कई स्टेट है जहाँ पे सब चीज़ हायर ज़्यादा मात्रा में होती है, तो माता के मंदिर में जाके पहले तो ऐसे आदमी को चुनरी चढ़ाना बंद कर देना चाहिए, ये दोगलापन बंद कर देना चाहिए। एक तरफ तो बच्चे को पेट में मरवा रहे क्योंकि वो लड़की है, लड़का लड़की का भेद कर रहे हैं, पर मंदिर में जाके माँ के रूप में माता रानी को ही चुनरी चढ़ा रहे। पहले तो अपने अंदर ही हमें दोगलापन कम कर देना चाहिए कि एक तरफ तो हम देवी माता की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के रूप जो बच्ची है जो छोटी सी उसे हम मरवा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर हम अच्छी नीयत से अच्छे काम अगर इन नियमों को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भगवान की कृपा से पॉजिटिविटी आएगी और आपकी इच्छा पूरी होगी। और कुंडली में अगर संतान हो ही नहीं रही है तो फिर उसमें कुछ अशुभ योगों का संयोग होता है। आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा कर उसके उपाय करवाने चाहिए। हमारे हमारे चैनल पर अगले बहुत सारे भी वीडियोस ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी के साथ हम लोग डालने वाले हैं। आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही ज्योतिष के मामले में। और हमारे कार्यालय से आप कुंडली दिखाने के लिए हमारे पास फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फ़ोन पर हमारी फीस ट्रांसफ़र करके फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक होती है। भारत पूरे भारत समेत कई देशों से लोग फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखाते हैं। धन्यवाद।